तो गाइज लेकर आ चुके हैं एक और शानदार वीडियो जिसमें आज हम बात करने वाले हैं डीजे डीगल से हेडशॉट कैसे मारा जाए। तो ये वाला जो वीडियो है ना फुल हैंडकैम के साथ होने वाला है, डीजे डीगल का स्पेशल ट्रिक। तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और हमारा छोटा सा लाइक टारगेट को अगर तुम्हारा मन करे तो कम्प्लीट कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह के और भी बेहतरीन वीडियोज आते रहते हैं। तो इस वाले वीडियो में हम डीजे डीगल का हेडशॉट ट्रिक के बारे में सीख। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना मुझे एक चीज़ बताओ यार, तुम इस डीजे डीगल को यूज करते भी हो या नहीं, कस्टम में या फिर क्लास स्क्वाड में या फिर अरे भाई रैंक वगैरह तो मिलता ही नहीं है, चलो क्लास स्क्वाड या फिर कस्टम मैच में तुम लोग यूज करते हो या फिर नहीं, और अगर यूज करते हो हेडशॉट कितना लगता है, मतलब थोड़ा बहुत तो लगता ही होगा ना या फिर बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ये चीज़ भाई मुझे कमेंट में बताओ, काफ़ी ज़रूरी है ये चीज़ जानना। और अगर तुम लोग बोलो तो नेक्स्ट वीडियो ऐसे फास्टेस्ट ग्लूअल कैसे लगा जाता है उसके ऊपर हम लोग बना सकते हैं, इसी तरह का हैंडकैम वीडियो होगा जो देख के तुम्हें समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा, तो बोलो तो बना देंगे। तो ओके गाइज आज हम बात करते हैं डीजे डीगल के हेडशॉट ट्रिक के बारे में। तो भाई इसे दो तरीके से हम सीखने वाले हैं, तो पहला होगा हमारा शॉर्ट रेंज के लिए और फिर होगा हमारा लॉन्ग रेंज के लिए। तो पहले हम लोग बात करते हैं भाई शॉर्ट रेंज के लिए, तो शॉर्ट रेंज में हमें कैसे ऐसे फायर करना चाहिए ताकि हमारा हेडशॉट लगे और बॉडी शॉट कम से कम लगे। तो पहली बात तो शॉर्ट रेंज में तुम्हें रोटेशन ड्रैग सीखना पड़ेगा, नहीं सीखे हो तो कोई बात नहीं ऐसे भी लग जाता है, लेकिन रोटेशन ड्रैग से कुछ ज़्यादा ही हेडशॉट लगते हैं। तो भाई मेन बात यह है कि शॉर्ट रेंज में तुम्हें एम को लॉक नहीं करना है, एम को व्हाइट रखना है और एनिमी के नीचे की साइड रखना है, और अगर यहाँ पर तुम एम को रेड कर लोगे ना तो कभी भी तुम्हारा हेडशॉट नहीं लगेगा, सिर्फ बॉडी शॉट ही लगेगा। तो पहली बात तो शॉर्ट रेंज में तुम्हें एम को व्हाइट रखना है और यहाँ पर जंप करके तुम्हें फायर करना है, ऐसा नहीं कि ऐसे जॉयस्टिक खींचोगे। जब एनिमी तुम्हारे एकदम क्लोज होगा ना उस टाइम पे अगर तुम जॉयस्टिक को खींच के एनिमी के पोजीशन को देखते हुए फिर भी अगर ट्राई करोगे हेडशॉट मारने के लिए तो नहीं लगेगा, तो वहाँ पे तुम्हें जंप करके ऐसे फायर करना पड़ता है। तो तुम्हें अपने मूवमेंट को दिखाना है और यहाँ पे जंप करके फिर फायर करना है, अगर लग जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगता है तो फिर से ग्लूअल लगाना है और फिर से बाहर निकल के ऐसे जंप करके मारना है। तो याद रखना क्लोज रेंज में तुम्हें एम को लॉक नहीं करना है और हमेशा जंप करके ही फायर करना है। तो गाइज ये हो गया शॉर्ट रेंज की बात, अब करते हैं लॉन्ग रेंज। तो लॉन्ग रेंज में इसका बिल्कुल अपोजिट करना पड़ेगा, मतलब तुम्हें एम को यहाँ पे लॉक करना ही होगा क्योंकि यहाँ पे रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो अगर तुम एम को लॉक नहीं करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा गोली लगेगा कैसे एनिमी को, एकदम से हवा में निकल जाएगा कहीं, फिर लगेगा नहीं, फिर एनिमी तुमको मार देगा। तो लॉन्ग रेंज में तुम्हें एम को लॉक करना है और यहाँ पे कोई रोटेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा ऊपर को ड्रैग करो और यहाँ पे तुम लोग अपने जॉयस्टिक को बहुत ही इजीली यूज कर सकते हो जिससे तुम बढ़िया सा हेडशॉट मार सको और अपने पोजीशन को बार बार चेंज कर सको। तो यहाँ पे तुम्हें बस इतना याद रखना है कि लॉन्ग रेंज में मुझे एम को लॉक करना है, यानी एम को यहाँ पे रेड करना है और जॉयस्टिक को मुझे यूज करते रहना है ताकि मेरा पोजीशन चेंज होता रहे और जब एनिमी मेरी तरफ देखेगा या फिर इसका पोजीशन स्टिल होगा उसी टाइम पर मुझे हल्का सा ऊपर की तरफ ड्रैग कर लेना है, बस लॉन्ग रेंज में इतना करना है। और अगर तुम्हारा हेडशॉट नहीं लगता है ना तो भाई अपने सेंसिटिविटी को चेंज करो, थोड़ा सा बढ़ा दो या फिर DPA को हल्का सा इंक्रीज करो 10 से 20 पॉइंट का। और मेन बात है कि जितना ज़्यादा तुम ट्रेनिंग ग्राउंड में इसे प्रैक्टिस करोगे लॉन्ग रेंज की शॉर्ट रेंज की उतना ही ज़्यादा तुम बेहतर खेल पाओगे, तो जितना ज़्यादा हो सके ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस करो। और हम मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो में, तो मुझे जल्दी से बता देना कौन से टॉपिक पे चाहिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, बाय बाय।